रीवा शहर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। सफाई कर्मी शहर को साफ सुथरा करने में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद गैर जिम्मेदार लोग शहर की स्वच्छता में ग्रहण लगा रहे हैं। मोहल्लों में गलियों में कचरा का ढेर लगा रहता है, वहीं दुकानदार भी अपने परिसर को साफ सुथरा व स्वच्छ बनाए रखने में लापरवाही करते हैं, जिसके चलते अब नगर निगम आयुक्त ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे लोग व दुकानदार जो स्वच्छता के दुश्मन बन रहे हैं, उन पर आर्थिक दंड लगाने की कार्रवाई की जा रही है। बिछिया में संचालित शराब दुकान सहित अन्य स्थानों पर पिछले कुछ दिनों में 60,000 से ज्यादा की चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही दुकानदारों को समझाइश भी दी जा रही है कि वो अपने परिसर को साफ रखें व शहर के स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। साथ ही शहर की जनता से अपील की है कि घर घर पहुंचकर कचरा कलेक्शन करने वाले वाहन के आने पर टाइम को नोट करें और समय पर न आने पर उसकी जानकारी दें। हमें आवश्यकता है कि हमारे सभी नागरिक, हमारे जितने भी लोग हैं, वो स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखें। हमारे काफ़ी सारे प्राइवेट पार्टनर्स भी हैं जो स्वच्छता के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं एक तो बताना चाहूँगी कि हमारी जो कचरा कलेक्शन वाली कंपनी है, उनसे हमने लिखित में अभी ले लिया है कि वो कौन से मोहल्ले में कितने बजे अपनी कचरा गाड़ी भेजेगी, निवेदन किया है। और हम निरंतर निवेदन करते हैं कि वो दुकानों के आसपास का जो परिसर है वो स्वच्छ रखें, ताकि हमारा शहर 24 घंटे साफ सुथरा दिखे और रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ ऑब्जर्वर में। नमस्कार।